क्रोनोलॉजी समझिए, अभी भी नीचे, अभी भी जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की जरूरत है। जिस दिन सरकार बनी, ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ? कितने मिले? 100 करोड़, 1000 करोड़, 1,00,000 करोड़, या 2017 चलिए 8,000 करोड़ बेनामी संपत्तियां, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच संस्थाने लग गई। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहाँ गया वो संपत्ति? कहाँ गए वो 1,000 रकम? बोलो, 1,000 करोड़ों? कौन लोग एड़ी अलगा अलगा के भाषण देता था फिर? मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हो या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना ठेंगा मिला, तेजस्वी के यहाँ से ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है। मोबाइल पीछे करो, यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, भाग खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में हैं भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं